फाइनेंस कंपनी को चूना लगाने का नया तरीका। फर्जी तरीके से नंबर प्लेट लगाकर चला रहा था ट्रक। एक साल पहले महाराष्ट्र में किया था एक्सीडेंट, जिसमें एक व्यक्ति का हुआ था मौत। ओरिजिनल मालिक को कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद हुआ खुलासा। नोटिस मिलने से मालिक का उड़ गए होश। पता साझी करने पर पखांचूर का मिट्टू सिकंदर निकला आरोपी। मिट्टू सिकंदर अपनी गाड़ी में दूसरे ट्रक का नंबर लगाकर चला रहा था। महाराष्ट्र ट्रक को जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। यहाँ पे एक ट्रक मालिक जो है उसने एक कंप्लेंट किया था कि उसके ट्रक से एक्सीडेंट कभी हुआ नहीं है और उसके पास क्लेम का नोटिस आया है। तो उसने खुद मतलब इस चीज पे मुस्तैद होकर सर्चिंग किया कि मेरे गाड़ी के नंबर से तो कभी हुआ नहीं, तो ऐसी नंबर मिलते जो नंबर की कोई गाड़ी होगी। तो उसे यहाँ पर पखांजूर जब आया तो उसे एक गाड़ी मिली और उस गाड़ी को उसने पकड़ा। उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था 4777 ऐसा करके, जबकि उसका एक्चुअल नंबर 4999 था उस ट्रक का। तो उसने यहाँ शिकायत की थाने में, तो जैसे ही पता चला तो इस फर्जी नंबर प्लेट पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई करते हुए FIR किया गया। धारा 420, 467, 468, 471 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी मिंटू सिकंदर को गिरफ्तार किया गया। सर कितना दिनों से चला रहा था फर्जी नंबर? ये करीब 6 महीने के करीब चला रहा था। किसी का एक्सीडेंट हुआ था इसी नंबर के, इसी की गाड़ी से हुआ था, लेकिन नोटिस जो है वो चूंकि इसकी गाड़ी का ये चूंकि मालिक तो था ही नहीं, इसकी ओरिजिनल जो नंबर वाली गाड़ी थी वो कांकेर में एक व्यक्ति की थी, उसको क्लेम का नोटिस गया। तो वो बेचारा सदमे में आ गया कि उसकी गाड़ी से तो कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं, वहाँ महाराष्ट्र कभी गई नहीं। तब फिर उसने जो है ना सर्च चालू किया और हमारे पास शिकायत दी। क्या हुआ भैया, आज से 1.5 महीना पहले मुझे महाराष्ट्र गढ़चिरौली से एक नोटिस आया था कि यहाँ पर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, इसमें एक आदमी मतलब नोटिस आया। तो मैं समझ नहीं पाया कि नोटिस किस चीज़ का है, तो मैं तुरंत वहाँ गया गढ़चिरौली। वहाँ जब कागजात निकलवाया जब वकील के थ्रू, तो मुझे पता चला कि उस गाड़ी से मेरी गाड़ी का नंबर CG04447, उस गाड़ी से कोई एक आदमी ख़त्म हो चुका है, जिसका मुआवजे का नोटिस मुझ पर आया था। तो मैंने जब वहाँ गया और कहा कि मेरी गाड़ी महाराष्ट्र चलती नहीं है, मेरे पास महाराष्ट्र पर भी थे, मेरे पास तो लोकल चलती है गाड़ी, खुद के मंजीजी मालिक हूँ उसका। फिर मुझे संदेह हुआ कि मेरे नंबर पे कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी को चला रहा है नंबर प्लेट लगाकर। फिर मैंने खोजबीन चालू की, पूरे मतलब 10-15 दिन से इधर घूम रहा हूँ मैं कि ये फर्जी नंबर कौन चला रहा है करके। और आज एकाएक और कुछ काम से आया था मैं, मुझे इसी नंबर की गाड़ी आज मंडी जो है प्रांगण के पास खड़ी दिखी। महाराष्ट्र शासन को आपने कितने रुपया चुका है, इसमें कोई जुर्माना खर्चाना दिया? उसमें जुर्माना इसलिए नहीं दिया हूँ कि उसमें मेरे को तो मालूम था कि गाड़ी मेरी नहीं है, मगर मेरे को अपने ऊपर से केस हटाने के लिए मुझे कुछ ऐसा मजबूत पक्ष चाहिए था कि ऐसा कौन काम कर रहा है। एक्चुअली प्रकरण क्या था, किसी की मृत्यु हो चुकी थी कि किसी की मृत्यु हो चुकी थी? अभी आपको किसकी गाड़ी दिखाई दी? अभी जो फिर क्या हुआ, जब मैं यहाँ आया है ना, जब मैं गाड़ी को देखा तो मैंने TI साहब को फोन लगाया, थाना प्रभारी को, कि साहब यहाँ गाड़ी भेजिए, गाड़ी नंबर है, मैं उसका मालिक हूँ, मगर गाड़ी नंबर दूसरे प्लेट में लगी हुई है, ये जो है कोई दूसरा मेरी कांकेर में गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी में नंबर प्लेट लगा हुआ है, तो इसको आप इसके तुरंत आप इसके पूछताछ कीजिए। तब उन्होंने सब पूछताछ किया तो उन्होंने भी देखा तो उसमें 36 नंबर भी अलग पाया गया है गाड़ी में। पखांचूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।